माननीय श्री बी एल दोहरे जी, माननीय श्री बी एल दोहरे जी, आज आप डिप्टी एसपी यूपी पुलिस मोहन लालगंज लोकसभा 34 सुरक्षित से बहुजन मुक्त पार्टी के उम्मीदवार के रूप में पार्टी द्वारा मुझे लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए निर्देशित किया गया। आज आप नामांकन करने जा रहे हैं? आज मैं नामांकन करने जा रहा हूँ। आप अपनी पार्टी के जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, एजेंडा क्या रहेगा आपका, जनता के लिए क्या लेके जाएंगे आप? मेरी पार्टी का मुख्य एजेंडा है कि जो सबसे पहले लोग गरीबी की बात कर रहे हैं 70 सालों से, वो गरीबी आज तक नहीं आई। और मेरी पार्टी आने के बाद सबसे पहले गरीबों, दबे कुचले, शोषित महिलाओं, उन सबकी मदद करें। 5 कोई ऐसे कार्य बताइए जिनसे क्षेत्र की जनता आपको वोट करे। सबसे पहला ये रहेगा कि मेरे चुनाव क्षेत्र में जो भी सड़कें, नाली, कॉलोनी और गरीब तबके प्रत्येक वर्ग के लोगों की जो भी समस्याएं होंगी उनको पूरा करने का प्रयास। आपके सामने कौन सा ऐसा प्रत्याशी है जो आपको लगता है कि आपकी लड़ाई में आपके सामने है? मेरे सामने 5 प्रत्याशी जो खड़े हुए हैं वो मेरे आगे सब जो है फीके पड़े। क्या परिवर्तन को लेके आप क्या कहना चाहते हैं, क्षेत्र की जनता क्या चाह रही है? क्षेत्र की जनता बदलाव चाहती है। बटन दबेगा चार पाई का, अधिकार मिलेगा पाई पाई का। वर्तमान व्यवस्था घटिया है जिसका समाधान खटिया है। ये कैसी लाचारी है, 85/15 भारी है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने जातिगत समीकरण को देखते हुए विशेष जाति के प्रत्याशी को ही प्रत्याशी बनाया है, जबकि वो भूल वोट नहीं करती है और आपके कामों पर वोट देती है। मैं कोई झूठे वादे नहीं करना चाहता हूँ, जनता एक बार विश्वास करके आपकी पार्टी का जो है समर्थन जी। और हम लोग मेहनत कर रहे हैं क्षेत्र में जो है और जो मोहनलालगंज जो है लोकसभा क्षेत्र है जहाँ पे कई वर्षों से सपा भी रही है और दूसरी पार्टियाँ रही हैं, भाजपा रही 5 साल, कोई विकास कार्य नहीं हुआ। जो चुनावगंज से लेकर जो है मोहनलालगंज तक जो हाईवे है पूरा टूटा फूटा है, कई बार हम लोगों ने शिकायतें की, कोई सुनवाई नहीं हुई। अधिवक्ता समाज इन्होंने बी एल दोहरे जी ने अधिवक्ताओं की कई बार मदद की है, किसी प्रकार कोई समस्या युवा अधिवक्ता लगभग इनके साथ है। मैं राम खिलावन से रिटायर, तो बहुजन समाज पार्टी ने सचिव पद देखा, उसको छोड़ कर के मैंने देखा कि बी एल दोहरे के विचार, उनके कार्य करने का इरादा जो है वो पक्का साफ सुथरा है। इन्होंने पार्टी ने ये वादा किया है कि जो 1,000 स्क्वायर फुट में मकान बना करके रहता है उसका जो है टैक्स फ्री कर दिया जाएगा, पानी फ्री कर दिया जाएगा और बिजली फ्री कर दी जाएगी, वो सुरक्षा की जो है वो गारंटी की जाएगी 100%। उसमें कोई आनाकानी नहीं होगा, उसमें चाहे पुलिस विभाग का दोष हो या अन्य किसी का दोष हो, उस दोषी को उचित दंड जो है वो दिया जाएगा। और सड़कों का निर्माण और नालियों का निर्माण ये सब जो है हमारे एजेंडे में है। और गरीबों की शिक्षा जो है वो फ्री की जाएगी शुरू काज की, और जो गरीब बैकवर्ड है उनकी भी शिक्षा फ्री की जाएगी, और आरक्षण जो है वो 100% जो है वो लागू कर दिया जाएगा। हमारी सरकार बनते ही सबसे पहला काम आरक्षण का होगा, उसके बाद समाज के विकास का होगा, उसके बाद सुरक्षा का होगा, उसके बाद नौकरियों का होगा, क्योंकि जो बच्चे शिक्षित हैं और ये इस सरकार जितनी भी सरकार है 70 साल के अंदर कार्य किया, उन्होंने नौकरियों का कोई उपाय नहीं किया, जबकि लोग बहुत सी वैकेंसियाँ जो है लाखों की तादाद में खाली हैं और ये वैकेंसियाँ भर सकते थे, पर कि नियत नहीं ठीक है, क्योंकि अगर गरीब नहीं रहेगा तो अमीर को ये अमीर की इज्जत करेगा कौन। इसलिए इन्होंने गरीबी को इतना फैला दिया है कि लोग इनके तलवे चाटने को तैयार हैं कि हमें किसी तरह, और इन्होंने
पाँच साल से रिटायर्ड एम्प्लॉई हूँ और राजाजीपुरम में रहता हूँ। दोहरे जी को मैं बहुत देर से जानता हूँ, बीइंग पुलिस ऑफिसर इन्होंने लोगों की आउट ऑफ वे जाकर के हमेशा मदद की और कभी किसी से कोई कंसिडरेशन ध्यान में नहीं रखा और डायरेक्ट जो भी परेशानी लेके इनके पास आया उसकी इन्होंने मदद की और आगे बढ़ चढ़ के मदद की। ही बिलीव्स इन फाइटिंग फ्रॉम फ्रंट, करते हैं सीधे जाके लोगों की समस्याएं हल करते हैं और उसी को देखते हुए मैं इनके सपोर्ट में आज खड़ा हूँ और इनके साथ लगा हूँ। जिस परिवर्तन की इन्होंने शपथ ली है, जब तक वो परिवर्तन पूरा नहीं होगा इनका आंदोलन जारी रहेगा। इनसे ये आपके लिए कैसे प्रत्याशी हैं? मेरे लिए यही मुख्य प्रत्याशी हैं, क्योंकि अब तक जितने भी दल या वो हैं उन्होंने जो वादे किए वो खड़े नहीं उतरे। मैं उनसे सबसे निराश हूँ और निराशा के बाद अब मैं जो उम्मीद मेरी है वो माननीय श्री बी.एल. दोहरे जी में है।